नमस्कार, ये आपका भारत लाइव ही है और खबर जो लगातार आ रही है उन खबरों में कहीं ना कहीं एक बात तो नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार जी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि ये तैयारियां किस बात की है, तो नीतीश कुमार की तैयारी 10 मार्च को होने वाले परिणाम के लिए है। अब दूसरा सवाल आपका होगा कि आखिर 10 मार्च को तो परिणाम कहीं और आने हैं, उससे नीतीश कुमार की तैयारियाँ क्या होगी। हालांकि नीतीश कुमार उतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो इन सारी बातों का जवाब एक ही है कि नीतीश कुमार को इस बात का नहीं कि वो किसी राज्य में सरकार बनाएंगे या किसी राज्य में वो सरकार का हिस्सा होंगे या विपक्ष में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। नीतीश कुमार की चिंताएं हैं कि इन 5 राज्यों के होने वाले चुनाव के बाद बिहार में क्या होगा और बिहार की रणनीति, बिहार की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा। इन्हीं बातों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार तैयार हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। इस सारी तैयारी में एक बात तो पक्का है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने आप को वो हर पुराने और नए समीकरणों को जोड़ करके देखना चाहते हैं कि क्या कुछ होगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि बार बार नीतीश कुमार को लेकर के और उनकी इस रणनीति को लेकर के चिराग पासवान मुखर हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी उन्होंने मार्च किया था। राज्यपाल से मिलने की बात उन्होंने की थी और मिले भी थे, जिसको लेकर के हमने खबरें आपको दिखाई थी। अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं भाजपा के साथ दो दो हाथ करने के लिए नीतीश कुमार पूरी तैयारी कर चुके हैं, ये बातें भी सामने आ रही हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। चिराग पासवान इस बात को लेकर के और ज़्यादा मुखर हो गए हैं जब ये बातें सुनने को मिली हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली में कई लोगों से मिले हैं, कई पुराने साथियों से मिले हैं और उस मिलने को नीतीश कुमार ने सामान्य मुलाकात बताई है, जबकि दो राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं तो सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती है। बात यही नहीं है, और कई लोगों से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि जो मुलाकातें पब्लिकली हुई हैं या मीडिया ने जिन मुलाकातों को उजागर कर दिया उस पर तो चर्चा हुई है, लेकिन जो मुलाकातें नहीं हुई हैं, जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं आई है, उन मुलाकातों की भी हमारे पास जानकारी है और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखे हैं। दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार के चेहरे के भाव बता रहे थे कि नीतीश कुमार बड़ी योजना बना करके अब बिहार लौटने वाले हैं। इसके पीछे की रणनीति आपको हमने पहले ही बताया था कि प्रशांत किशोर वाली खबर सबसे पहले भारत लाइव में आपको दिखलाया था। हम पिछले कई महीनों से लगातार ये बातें कह रहे हैं और हमने यहां तक बताया था कि प्रशांत किशोर बहुत सारे लोगों से बातचीत किए थे और बातचीत के दौरान उन्होंने मीडिया में स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो चाहते हैं कि भाजपा को हराया जा सकता है, लेकिन वो शख्स चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के काबिल हो। इसका मतलब सीधा था, उनका सीधा कहना था कि वो नीतीश कुमार से एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। ये बातें नीतीश कुमार तक पहुंची और नीतीश कुमार के साथ पहुंचने के बाद अब यह चर्चा जबरदस्त ढंग से हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार झटका देंगे। 10 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होता है, दोनों ही परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या एक्ट करेगी वो अलग बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि जब भी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी तो उसका तरीका क्या था। लेकिन इन सब के बीच में अभी बहुत सारी बातें ऐसी रह गई हैं जिसको लेकर के चर्चाएं हैं। हम आपको एक और भी राज का खुलासा करेंगे बहुत जल्दी। नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर से मिलने का जो गहरा राज है उस पर भी हम पर्दा हटाएंगे, क्योंकि हम पहले भी इस पर से कई बार इस तरह की घटनाओं और इस तरह के मुलाकातों पर से पर्दा हटा चुके हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसके पीछे की रणनीति कुछ और होती है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज नजर आ रहे थे और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अवसर खोज रहे हैं जिस अवसर पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा सके। अब बदली हुई परिस्थिति में चिराग पासवान पूरी मजबूती के साथ इस बात को लेकर के, और एनडीए में हैं कि नहीं है ये अलग विषय हो सकता है चर्चा का, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के सवाल खड़े किए हैं
कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, जल्द ही या तो मध्यावधि चुनाव कराएंगे या फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। इन दोनों परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक राज्य का नुकसान हो सकता है अगर चुनाव परिणाम 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में अगर उसकी सरकार वापसी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में एक राज्य और बिहार भी उसके हाथ से छूट सकता है। ये बातें भीतर खाने में अब चर्चा का विषय बन गई है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टेंशन का कारण बना हुआ है। यही कारण है कि जो खबरें आ रही हैं, जो भीतर खाने से बात आ रही हैं कि भाजपा के साथ दो दो हाथ करने के लिए नीतीश कुमार ने कर ली है तैयारी। अब इस तैयारी का आगाज आने दीजिए, वक्त आ रहा है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी है, अगली खबर में हम आपको एक और बड़ी घटना जो दिल्ली में हुई है उसकी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिएगा, बहुत जल्दी आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।